बॉलीवुड एक्ट्रेस फरहा नाज 80 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक थी। उन्होंने नसीब अपना अपना, मरते दम तक, ईमानदार, घर घर की कहानी, हमारा खानदान, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, मुकाबला जैसी कई फिल्में की हैं और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी खूबसूरती से भी हर किसी को अपना दीवाना बनाया था। उस दौर में फरहा के लिए दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती थी। हालांकि फरहा अब इंडस्ट्री से पूरी तरह से गुमनाम हो चुकी है। वहीं वक्त के साथ साथ फरहा का लुक भी पहले के मुकाबले काफी बदल चुका है। फरहा भले ही अब फिल्मों में नजर नहीं आती हो, लेकिन वो कभी कभी किसी इवेंट या फिर किसी पार्टी में स्पॉट हो जाती हैं, जिसमें उनका बदला हुआ लुक देखकर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि ये वही फरहा नाज हैं जो कभी स्लिम भी दिखती थी। दरअसल स्लिम सी दिखने वाली इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने अब अपना वेट काफी गेन कर लिया है। बीते दिनों उनका लुक तब चर्चा में आया था जब वो अपनी मौसी शबाना आजमी से मिलने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल पहुंची थी। इस दौरान उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसमें फरहा नाज का बदला हुआ लुक देखकर सब हैरान रह गए थे। पहले के मुकाबले फरहा ने अब काफी वेट गेन कर लिया है। हालांकि उनके चेहरे की वो मासूमियत और वो खूबसूरती आज भी बरकरार है, जिससे उन्होंने हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया था। फरहा नाज का जन्म 9 दिसंबर 1968 को मुस्लिम परिवार में हुआ था। फरहा की छोटी बहन तब्बू हैं, जो बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन हैं। इनकी माँ एक टीचर थी। एक बार सदाबहार अभिनेता देवानंद ने फरहा को अभिनेत्री शबाना आजमी के घर देखा और उन्हें अपनी फिल्म में रोल देने को कहा। इसके बाद फरहा ने अपने करियर की शुरुआत 1985 में आई यश चोपड़ा की फिल्म फासले से की थी। इस फिल्म में फरहा के अपोजिट महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर थे। हालांकि ये फिल्म बुरी तरह पिट गई थी। इसके बाद फरहा को कई बड़ी फिल्मों के ऑफर्स मिले। फरहा ने 20 साल के फिल्मी करियर के दौरान 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 80 और 90 के दशक में फरहा ने कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया, जिनमें राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, संजय दत्त, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, मिथुन, गोविंदा, सनी देओल और आमिर खान के नाम शामिल हैं। लेकिन बॉलीवुड की ये सफल एक्ट्रेस 2005 के बाद गुमनाम हो गई। दरअसल 90 के दशक के आखिरी सालों में फरहा को फिल्में मिलनी बंद हो गईं। खराब दौर के चलते उन्होंने शादी की प्लानिंग की और दारा सिंह के बेटे विंदु दारा सिंह के साथ शादी रचा ली। हालांकि दोनों की शादी 5 साल तक ही टिक पाई और फिर इनका तलाक हो गया। दोनों का एक बेटा फतेह रंधावा भी है। विंदु से तलाक के बाद उन्होंने दूसरी शादी एक्टर सुमित सहगल से की थी। सुमित पहले शाहीन के हस्बैंड थे। फिल्मों की असफलता और विंदु दारा सिंह से तलाक के चलते फरहा अचानक ही फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। उन्होंने आखिरी फिल्म 2005 में शिखर की थी। अब फरहा नाज गुमनामी की जिंदगी जी रही है। हालांकि उनकी बहन तब्बू आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं।